ये फेस पैक हफ्ते में दो बार लगाने से आपकी स्किन यंग, टाइट एंड फ्लॉलेस हो जाएगी। आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन निखर कर आएगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। होप यू ऑल आर वंडरफुली वेल। आज हम केसर और दूध में एक चीज मिलाकर अपनी स्किन के लिए एक फेस पैक बनाएंगे, जिससे हमारी स्किन यंग दिखेगी और हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन में सुधार आएगा। तो चलिए फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए क्लींजर की तरीके से काम करता है, हमारी स्किन के लिए मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को टोनर करता है, यानी कि टोन करता है। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होने की वजह से हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करता है और हमारी स्किन पर हुए पिंपल एक्ने को ठीक करने में हेल्प करता है। स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगी, तो 2 से 3 चम्मच के लगभग आपको कच्चा दूध लेना है और इसमें डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन पर हुई इरिटेशन को कम करता है। स्किन टाइटनिंग के लिए भी रोज वाटर का यूज किया जाता है। रोज वाटर एक ऐसा पानी होता है जिससे आप अपनी स्किन को क्लीन ब्राइट बना सकते हैं। ये मल्टीपल साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है एंड रोज वाटर की हेल्प से, रोज वाटर के डेली यूज से हम अपनी स्किन को फ्लॉलेस, स्किन को नेचुरल टोन कर सकते हैं, क्योंकि रोज वाटर हमारी स्किन की मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। तो वही हम कह सकते हैं कि हमारी स्किन के लिए गुलाब जल बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट टेस्ट है। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच के लगभग हम रोज वाटर लेकर इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी सैफ्रन स्ट्रेट्स, यानी कि केसर जो होता है। यहाँ पर मैंने लिया है केसर के धागे। यूवी रेडिएशन से जो भी हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है, यानी कि धूप की किरणें जो रेडिएशन होती है हमारे स्किन पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस, डलनेस, स्किन डैमेज कर सकती है, और केसर की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन की चमकदार चमक बनाए रखते हैं और त्वचा को जो है हेल्दी बनाए रखते हैं। एंड इसके अलावा आप जो है अगर इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं, स्किन केयर रूटीन में, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और चमकदार बनी रहती है एंड ग्लोइंग रहती है। यहाँ पर 1 पिंच हम ले लेंगे केसर का और इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे, इससे दूध का कलर जो है केसरिया हो जाएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है, जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन। चंदन के इतने सारे फायदे हैं कि आपको किसी भी फेशियल क्रीम एंड ऑल इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चंदन का यूज़ करते हैं तो, क्योंकि चंदन स्किन पर हुई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने की क्वालिटी रखता है और स्किन को फेयर करता है एंड स्किन टोन में सुधार करता है। हम देखते हैं कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चंदन का यूज़ होता है, इनमें एक्चुअली चंदन की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है, तो बेहतर है कि आप नेचुरल और केमिकल फ्री चंदन पाउडर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है चंदन पाउडर, 1 से 2 चम्मच मैं ले लूँगी, और जितना भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच चंदन लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक इसको रखना है। इसके बाद क्या होगा, ये जितने भी केसर के धागे हैं, इनकी क्वालिटीज़, जितने भी गुण हैं इसमें, सारे के सारे इस चंदन पाउडर में अच्छे से जो है मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। तो तब तक हम जो है इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट और इसके बाद जो है आप इसे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के दौरान आपको दिखेगा कि इसका कलर जो है काफ़ी चेंज हो चुका होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। पूरे फेस पर इसको लगाना है, 15 से 20 मिनट तक इसको हम रखेंगे लगाने के बाद, और इसके बाद ताजे पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए इसका आपको 1 से 2 बार हफ्ते में यूज करना होगा एंड ट्रस्ट में आपकी स्किन काफी ज्यादा फेयर, फ्लॉलेस, स्पॉटलेस हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लोइंग लग रहा है। आप भी इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं एंड हफ्ते में 2 बार इसका यूज करना है, आपकी स्किन यंग, टाइट एंड फेयर हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, वीडियो पसंद आता है डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।